सिंह चौहान इस्तीफा देने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इस्तीफा देने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस वहां पर आई है 114 सीटों के साथ आगे आई है और दूसरे जो दल हैं वो भी उसके साथ आने को तैयार हैं। राज्यपाल को इस्तीफा देने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देने पहुंचे हैं। वहीं अभी हाल ही में हमने आपको बताया कि कमलनाथ जो है वो भी राज्यपाल से मिलने पहुंचेंगे लगभग 12 बजे और अभी फिलहाल शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो इस्तीफा देने पहुंचे हैं राज्यपाल को। यानी कि ये साफ है कि कांग्रेस की ही सरकार बनेगी, जो बीएसपी है वो अब उनके साथ आ सकती है, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी जुड़ सकती है, निर्दलीय जो है वो भी कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़कर बना सकते हैं सरकार। कई तरीके का जो गणित है वो यहां लगता दिखाई दे रहा है। शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा लेकर, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देने पहुंचे हैं, राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। काफी मेहनत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। हालांकि एमपी में आपको बता दें कि जो एंटी इनकम्बेंसी था वो यहां पर नजर आ रहा था कुछ कहीं ना कहीं, और जो मंदसौर में जो मामला हुआ था किसानों को गोली लगने का वो भी यहां पर थोड़ा सा दिक्कत कर गया बीजेपी के लिए, शायद इसीलिए इतनी सीटें कम हुई हैं। गोपाल गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं, एक बार जान लेते हैं गोपाल क्या जानकारी है, क्या शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देने पहुंचे हैं? निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देने पहुंच गए हैं, गवर्नर को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। निश्चित रूप से हार मान ली है शिवराज सिंह चौहान ने। रात को जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी और प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने ट्वीट किया था कि कुछ जो है निर्दलीय लोग हैं वो हमारे समर्थन में हैं, लेकिन मायावती की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सामने आ गया कि भाई अब जोर तोड़ की राजनीति तो नहीं चलने वाली है, क्योंकि दो विधायक मायावती के पास हैं और 114 का आंकड़ा जो है वो कांग्रेस के पास है, तो कहीं ना कहीं मेजोरिटी में आ जाएगी कांग्रेस और उसकी सरकार बनना तय है। तो इसके साथ ही अब जो है शिवराज सिंह चौहान ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और वो राज्यपाल को इस्तीफा देने के लिए पहुंच गए हैं। शिखा जी, गोपाल यानी कि पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ही ने ही अपना वर्चस्व कायम कर लिया है। जी गोपाल, बनाने जा रही है इस बात में कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस अब सरकार बनाएगी। आज विधायक दल की शाम को बैठक होने वाली है, विधायक दल में कहीं ना कहीं सदन का नेता चुन लिया जाएगा, मुख्यमंत्री चुन लिया जाएगा, जो मुख्यमंत्री किसको बनाया जाता है ये अब कोई जो है बहुत लंबे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा मध्य प्रदेश की जनता को। अब जो है ये तय हो गया लगभग कि कांग्रेस की सरकार बननी है और मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं कमलनाथ ही बनेंगे। जी गोपाल, क्या जनता के बीच आप गए, उन्होंने आपने पूछा कि जिस मुद्दे की वजह से कांग्रेस सरकार को उन्होंने वोट दिया है तो किस चीज की अपेक्षा रखते हैं अब वो सरकार से? जी, सरकार से जिस तरीके से वचन पत्र कांग्रेस का सामने आया था और वचन पत्र में कांग्रेस ने ये वादा किया है जनता से कि जो है किसानों की कर्ज माफी की जाएगी, किसानों की कर्ज माफी के साथ साथ जो है और भी तमाम सारे वादे किए हैं, उन वादों को पूरा करने पर फोकस रहेगा। बिल्कुल जी गोपाल, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें कि राज्यपाल को इस्तीफा देने पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान, यानी कि कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी हार मान ली है। आपको बता दें कि जो तीन मुख्य राज्य हैं वो कांग्रेस ने छीन लिए हैं बीजेपी से, और अब जो मध्य प्रदेश में एक तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री बीजेपी जो है वो भी कुछ ना कुछ गणित वहां पे बैठा सकती है, लेकिन वो अब नहीं है क्योंकि शिवराज सिंह चौहान इस्तीफा देने पहुंच गए हैं।